नमस्कार दोस्तों, खेलो इंडिया खेलो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्क्वाड की, जो कॉमनवेल्थ गेम के लिए निकल चुका है। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, रेसलिंग के ऊपर अलग वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, जो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेंगे या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बॉक्सिंग स्क्वाड से। और हाँ, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। चलिए मिलते हैं इंडियन बॉक्सिंग टीम मेन से। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में भारत को 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले थे। गौरव सोलंकी, विकास कृष्णन और मेरी कॉम ने गोल्ड मेडल जीते थे। अमित पांगल, मनीष कौशिक ने सिल्वर मेडल जीते थे। हसमुद्दीन और मनोज कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो पिछली बार भारत के हर पुरुष ने एक एक मेडल जीता था और महिलाओं में से सिर्फ मेरी कॉम ने एक ही मेडल जीता था, वो भी गोल्ड। इस बार मेरी कॉम टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस बार की महिला टीम ने क्वालिफाइंग राउंड्स में बेहतर प्रदर्शन किया हुआ है। पुरुष टीम में भी काफ़ी सारे नए प्रतिभावान चेहरे जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट होकर काफ़ी सारा अनुभव लिया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भारतीय बॉक्सिंग टीम का प्रदर्शन पहले से काफ़ी बेहतर रहेगा। और अब बात करते हैं स्क्वैश की। स्क्वैश के बारे में शायद 1% से भी कम लोग जानते रहेंगे और काफ़ी कम लोगों ने स्क्वैश को एक्चुअली खेला हुआ रहेगा, बट इंटरनेशनली भारतीय स्क्वैश टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो चलिए जानते हैं स्क्वैश टीम के बारे में। ज्योत्सना चिन्नप्पा का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सिंगल्स, डबल्स और मिक्स तीनों प्रतियोगिता खेल रही है। 2018 में भारत को 2 सिल्वर मेडल्स मिले थे और दोनों में ज्योत्सना का इम्पोर्टेंट रोल था, एक मिक्स डबल्स में और एक वुमेंस डबल्स में। 14 साल की अनाज सिंह भी भारत की तरफ से वुमेंस सिंगल्स खेलेगी। चलिए बात करते हैं टेबल टेनिस की। टेबल टेनिस में भारत के 4 महिला और 4 पुरुष क्वालिफाई हुए हैं। शरद कमल की करंट वर्ल्ड रैंकिंग 32 है और साथियन की 29 है, लेकिन इनके आगे सिर्फ इंग्लैंड का एक प्लेयर है जो आई थिंक 18 नंबर पे है। मनिका बत्रा की करंट वर्ल्ड रैंकिंग 18 है, लेकिन कॉमनवेल्थ नेशंस में कोई भी प्लेयर उसके आगे नहीं है, तो मनिका बत्रा इस बार भी कॉमनवेल्थ में गोल्ड ला सकती है। 2018 में मनिका बत्रा ने गोल्ड, कमल ने ब्रॉन्ज और मिक्स डबल्स में हमें एक ब्रॉन्ज मेडल मिला था। हमारे बाकी प्लेयर्स भी काफ़ी अच्छी तैयारी से हैं, तो इस बार टेबल टेनिस से हम अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। इस सीरीज़ के बाकी वीडियो भी चैनल पे यही थंबनेल से प्रेजेंट हुए हैं। अगर आप एथलेटिक्स देखना चाहते हैं तो एथलेटिक्स का वीडियो सिलेक्ट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेलते रहिए। खेलो इंडिया खेलो, सब्सक्राइब द चैनल नाउ। खेलो इंडिया, साथ में हैं हम।